गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या हाल चाल तुम लोगों का सर? गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। एक चीज बताओ मुझे, कल सर्कल सर्कल क्लर्क में होमवर्क क्या दिया था मैंने? सेक्शन ए एमसीक्यू। एमसीक्यू सर्कल में पार्ट टू का सेक्शन ए एमसीक्यूज वाला हो गया था क्या? एक ही डाउट है ए सिक्स। हाँ सर हो गया। एक्सट्रीम ए सिक्स में क्या बाइनोमियल में डाउट एस। रुक रहे हो को शीट में को निकालने दो। उसमें डायग्राम क्या बन रहा था वही समझ में नहीं आ रहा। इसमें ए सिक्स में अब लोड होने लगा। एमसीक्यू ना? हाँ सर। टू थिन रॉड्स वाला। जिम की लेंथ कितनी? टू है और कितनी है? टू बी। टू थिन रोड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ टू एंड टू बी मूव अलोंग ओ एंड ओ एक्स। दो रोड है ना, एक तो ओ ए और ओ एक्स और वाई में घूमे। विथ ओ इज ओरिजन द इक्वेशन ऑफ लोकस सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ दिस टू रोड इज। चलो देखते हैं ना। ऐसा एक दो रोड है ना जिसकी एक की लेंथ एक्सट्रीमिटी से सर्कल पास हो रहा है। वाओ सर्कल में ड्राइंग तो कितनी अच्छी है ना। ये सर्कल है ना देखा, जिसकी ये लेंथ हमेशा कितनी रहेगी, मतलब ये ऐसे पास हो रहा है। ये लेंथ टू ए और ये लेंथ कितनी है? टू बी। रोड की एक्सट्रीमिटी सर्कल पास भी हो रहा है ना। सर उसमें लिखा है कि ओ ए एंड ओ ई मतलब दोनों में कॉमन ओरिजिन से पास होगा सर्कल और 90 डिग्री वैसे होगा ना। अरे देखो क्या लिखा है, वेयर ओ इज द क्या लिखा है? अच्छा लॉन्ग ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है इसका सेंटर का द इक्वेशन लॉक करो तो सेंटर सर्कल पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी। अच्छा ये इसे पास होना चाहिए h कॉमा के क्या मान लो। अब तो मुझे कुछ कुछ बता सकते हो ना कुछ कुछ तो। ये अब क्या किया जाए भैया? ये बाइसेक्ट किया तो ये कितना हो गया? ए हो गया और डी के है। तो मुझे बताओ यदि ये आर है तो एक आर का रिलेशन क्या मिल गया? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? के स्क्वायर क्या मिल गया? समझ में आ रहा है। और एच और ऐसे कोई बी मान लो तो क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया तुम h square plus b square। तो compare कर दो h square plus b square equal to क्या? k square। कैसा हो गया ये? तो ये क्या हो जाएगा? x square minus y square a square minus b square। हाँ लिख के लिख दिया। नहीं ये आ नहीं रहा। lag हो रहा है। आ गया। अभी आया। This is the rectangular hyperbola। सर मैंने उसको ओरिजिन को भी कंटेन कर लिया तो मेरा तो मुझे भी वही लगा। और कोई डाउट? वो बाइनोमियल सर पार्ट थ्री बाइनोमियल डी वाला क्या बेटा? पार्ट थ्री डी एक्सरसाइज वन। ये सर्कल का बाइनोमियल का बाइनोमियल बाइनोमियल अरे झगड़े में कहाँ रख दी मारी शीट टम शीट टम।
हूँ जैसे मोबाइल में होगी मेरे। फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूँ उसका? अरे पर मेरे को हार्ड कॉपी में मजा आता है, बाकी पीडीएफ तो भेज सकता है। मिल गया। ओके। तुमको हार्ड कॉपी मजा आता है सॉफ्ट कॉपी में? हार्ड कॉपी में दोनों में। सॉफ्ट कॉपी में जिनको मजा आता है वो अलग ही टाइप के लोग होंगे तेरे। तो किंडल लेना चाहिए तुमको, किंडल। किसी के पास है मतलब? हाँ अब कौन सा वो इनबिल्ट आता है ना, कौन सा बेटा बोलो? उसको बी पार्ट में डाउट है सर, वो पार्ट थ्री के डी वाला। डी में कौन सा बेटा? लास्ट वाला, मतलब थ्री में लास्ट वाला पार्ट में मैच द कॉलम। 1+2+3+4 सुने बच्चे बोलते सर चाय नहीं पीनी चाहिए, जो चाय पीता वो गंदा बच्चा होता है। मेरे को भी सोचना पड़ेगा। वैसे तो वो बन गई एजीपी का सवाल बन गया बेटा, दिख रहा तुमको? हाँ सर। सर मतलब इसको मैंने जीपी बना के डिफरेंशिएट कर दिया, चलेगा? हाँ वो चलेगा। अरे तुम्हारा स्क्वायर ये ना, इसको पहले सॉल्व कर लेता तुम्हारा भाई, सॉल्व कर ले बेटा। हाँ सर। अरे मेरे को वैसे आंसर पता चल गया इसका, तुम याद हो तो तुमको याद हो, एस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एजीपी का। अरे तुम्हारा भाई एस सेम सेम पावर और कोफिशिएंट सेम। किसी का जीपी बहुत स्ट्रांग था इसकी भी पावर ये पूरे की पावर हाफ। तुम्हारा भाई है तो तुम क्यों चिंता करते हो, ये ऐसा है सर? पूरे की n की वैल्यू कितनी बेटा? n की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 4। हां सर तो n+1 - r सर तो ये 1 आ रहा है, मैंने ऐसा ही किया। n+r - 1 cr - 1। ओके ओके। अरे सही तो है ना पंकज मंगला? हां हां सर। लास्ट वाला फार्मूला गुड। 4c3 मतलब 4c1 मतलब 4 आंसर आ रहा है क्या? हां सर। हाँ सर ये प्राइम नंबर डिविजिबल बाय टू। मेरा जो यहाँ पे देर का एक्स की पावर 4 को अपने 1 दे रखा है, ऐसे कैसे? सर वो आर माइनस 1 नहीं होता है, सिर्फ आर ही होता है। अच्छा ऐसा है क्या? आर माइनस मार सर तो मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं, डिविजिबल बाय 2 तो प्रॉब्लम है वही, और एस मतलब डिविजिबल बाय 2 और प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब आर से 2 आना चाहिए वही। E और S गिवन है, प्राइम और E प्लस 1 के बारे में, 2 क्या है? प्राइम नंबर तो है ना? हाँ सर 2 मतलब इसमें आंसर 2 होना चाहिए पर इसमें 1 ही आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। क्या 1 मतलब क्या आंसर? नहीं तो ना देन C प्लस 1 के बारे में कमेंट करना है ना। C नहीं दिया है, मतलब C प्लस 1 नहीं, सिर्फ C बोला है, सिर्फ C के बारे में। प्रिंट नहीं होगा पूरे अच्छे से लिखा हो देन C प्लस 1 हमारे में सिर्फ सी लिखा है, सी के बाद एक कॉमा है बस। नहीं नहीं नीचे लिखा हो देन सी प्लस 1 इज, हमारे में सिर्फ सी है सर। मेरे वाले में सही कर लिख लो भाई। ओके ओ तो क्यों डाउट आया, ये हो गया था, वन आ गया था। तू क्या बोल रहा है? 1+x 1+x ऐसा चल रहा है ना? क्या पूछा है इस टू में भाई साहब? पंकज मंगला
एस टू वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टर्म की देन रिटर्न देन एस एन यू देन एक्स ठीक है हो गया इजी था कितनी एक्स के आगे पावर कितनी होगी 5000 हां 5050 सर पहला वाला नहीं हो रहा है हां पहला नहीं हो रहा पहला वाला नहीं हो रहा नंबर ऑफ डिसिमिलर आइटम वाला है ये क्या लिखा हो चेक करो 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x को देख के तुमको क्या तुमको फील आता है 1 प्लस x की पावर n * 1 प्लस x स्क्वायर की पावर n की पावर n है ना यही कुछ ऐसा आया डिसिमिलर टर्म्स वाला कैसे करते हैं वो ही नहीं पता मतलब एक्स के पावर जिनको ऐड ना कर सके जो सब मतलब जो ऐड हो अगर सेम हो तो वो ऐड करने के बाद निकालना है हाँ मतलब पावर अलग अलग ना अपना बस है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था एक्स क्यूब की पावर एन क्यूब की पावर एन था ना ऐसा है कि भैया मुझे तीन मिल जाता ना तो मजा आ जाता पर कुछ ज्यादा इम्पोर्ट आंसर का 3n+1 है क्या हाँ सर मतलब अगर वैल्यू डाल डाल के चेक भी किया वो ट्रू है अरे डिसिमिलर का मतलब समझते हो कि मतलब कि सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए अलग अलग एक्स की पावर किस मतलब किसी भी एक्स की पावर सेम नहीं होनी चाहिए अलग अलग मैं खुद सोच रहा यार ये देखो बिना पेंसिलाइज करके इसको ये वाला एक्सप्रेशन है ना एक्स की पावर कितनी होगी 0 और एक्स की हाईएस्ट पावर कहां कहां तक जाएगी 3 है एक्स की कितनी पावर के वेरिएशन आ सकते हैं सारे मिला के 3n+1 अरे टर्म्स अलग है ना डिसिमिलर है ना हाँ सर हाँ हाँ और बोलो सर उसमें एस ट्रू हो जाएगा 4 वो तुम्हारा भाई अभी देखो उस दिन कल मैंने कल कौन सा सिखाया था सवाल वो आयो देखो ऐसे ऐसे में रखने के लिए डालो 1 प्लस एक्स तुम ना शीट में सॉल्यूशन तो बना रहे हो ना हाँ सर हाँ सर तुम्हारा काम ही ऐसा तुम तो बोलो सर हम तो सीखे हैं एक्स की जगह 1 रखेंगे एक बार एक्स की जगह रखेंगे माइनस 1 दोनों को ऐड कर देंगे 1 रखा तो कितना हुआ 3 की पावर n माइनस वन रखा वन माइनस ओल्ड वाले अरे समझ में आ रहा तुम्हारा भाई क्या कर रहा है सर हाँ सर सर तुम्हारा भाई ऐड कर देगा माइनस वन क्या ऐड करेगा ना मंगन जीरो ओल्ड वाले चाहिए ना ये लो हाँ टू जो टू आएगा लेकिन भी टू आए जो वो उधर पटक दिया नीचे ठीक है अबे a1 a3 वाला बोला 3 3 की पावर n माइनस 1 बाय s 4 गलत हो गया और फॉल्स हो गया और कौन बस हो गया सब इतने हो गया पूरा तो कल तुम कल जो करके लाओगे 6 7 8 9 10 12 सात प्रश्न करके लाओगे सर ये आगे ये फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला ये फोर्थ वाला फिफ्थ वाला देख कैसे करने का उसको x माइनस वन जनरल टर्म x माइनस वन ही लिख देंगे ये तुमको याद है बचपन में लिखाया था ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r इसको क्या लिखता था पंगा मंगला a प्लस b की पावर n ठीक है अब तुमने बोला कि सर क्या हुआ किसका एक्सपेंशन लग रहा तुमको ये x माइनस वन x माइनस वन की पावर 100 x माइनस थ्री प्लस टू की पावर कितनी 100 ये क्या बन गया x माइनस वन की पावर कितना बन गया 100 अब किसका कोफिशिएंट ढूंढना है 52 वाले का तो मतलब एक्स 52 की पावर माइनस 48 सी 52 आंसर आ जाएगा 100 सी कितना देगा 48 48 हो गया
हाँ सर। अब तुम्हें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बहुत है, कितने दो? 10 दे दो, कर लेता है। सर्कल्स में से 10 कैसे होगा? हाँ अफ्टरनून में क्लास होगा कि फ्राइडे? सॉरी सर कल फ्राइडे, कल कल 16 तक करके लाना ठीक है? ओके सर। हाँ सर हो जाएगा तुम सर्कल वाले में नहीं ना, बस इतना होमवर्क है, 10 क्वेश्चन इतने तो कर लोगे बेटा? हाँ सर कर लेंगे सर। अब तुम्हारा सर नोट करना है वो थोड़े को डिसिमिलर, कौन सा ये वाला या वाला? डिसिमिलर कभी पहला वाला, मैंने भी इसमें लिखे क्या वो समझ में। सेवेंथ वाले में लॉग भी है। वाह वाह लॉग आ गया, मजा आ गया। सर इसके बाद वाला रख सकते हैं। सर बेटा इस वीक में वो बोर्ड में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो जाएगा खत्म कि फिर कैसे? वो तो आप हो, हमारा भाई करवा देगा खत्म, थोड़ा ही बाकी है ना। बहुत आरामी है, बहुत मतलब बहुत है। आराम होता ही है सर, उदय उदय भी खुद एक्सपर्ट बन चुका है। अरे क्या सर, सर नोट हो गया। अभी आज क्या पढ़ोगे? सर्कल्स में अपन इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट तो कल हो गया पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, टेंजेंट नॉर्मल देखते हैं, टेंजेंट नॉर्मल पे चालू करें। टेंजेंट नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन तो होंगी ना, टेंजेंट्स लाइन होगी ना टेंजेंट। हां सर चलो तुमको एक अच्छा क्वेश्चन तो करा दो 9 10 पे बेस्ड। तुमको तुमको पता है एक सेक्टर का एरिया कितना होता है? थीटा बाय हां थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 ये होता ना ज्यादा। इस पे क्वेश्चन बना दो एक अच्छा सा, बना के दूं है वैसे लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तो चलो तुम्हारे स्किल चेक करते हैं। Find area bounded by
चलो मेरे साथ डिस्कस, मेरे साथ चमकाना सीखते हैं, करो ट्राई मार रहे हो कर रहे हैं कर रहे हैं प्रॉब्लम को ना ढंग से पढ़ोगे ना तब ये क्या बनेंगे बताओ, ये दो सर्कल दिख रहे हैं जिसका सेंटर एक कॉन्सेंट्रिक रेडियस 2 और रेडियस 3 के बीच, ठीक है यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इसको तो मैं देखो थोड़ा डायग्राम बनाओ तुम, ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज तुम्हारे को क्लियर नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। उन्होंने बोला सर दूसरे वाले का क्या करें, वो नहीं समझ रहा। दूसरे वाला प्योर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगी? हां 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 प्योर सर। ये पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, दूसरा मैं बड़ा बना दूं, चलो छोटा बना देता हूं। एक की रेडियस 2, एक की रेडियस कितनी है? 3। और सेंटर इन दोनों के कितने? 0.0 0.0 अच्छा, जो बोला कि सर्कल जो एक्स कॉमा वाई ऐसे होने चाहिए जो दो वाले सर्कल से बड़े, जो तीन वाले सर्कल के अंदर क्या होने चाहिए? छोटे। तो बताओ कि कहाँ पे लाई करना चाहिए? वो ऐसे इसके अंदर। हाँ। सर्कमफेरेंस, दोनों के सर्कमफेरेंस पे लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस पे भी कर सकते हैं, उन दोनों सर्कमफेरेंस के बीच में भी। सही है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर है पहला। हाँ सही है। चलो अभी इस, तुमने बोला सर इसकी रेडियस अपने को दिख गई है सर, आपने इतना काम इतना काम हमने कर लिया था, आप दूसरे का सॉल्व करा दो बस। और ये पूरा तीन है, जैसे मैंने एक बनाया ना, 2 और एक 3 हो गया ना। हम्म। लाइन को बेटा थोड़ा फैक्टराइज करोगे तुमको मेरे से, तुम्हारे फैक्टराइजेशन मेरे से भी अच्छे हैं। तो कैसे दूसरे क्या इक्वेशन आ रही है? 2y माइनस। अलग तुम लोग सर दूसरे को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पहले देखो, पहले तो इस इक्वेशन नहीं भी आता तुमको, मैंने उस टाइम ही बोला होगा x x को डिवाइड कर दो भैया, ये दो दो लाइन। हां सर, तुमको पता है m1 plus m2 = -2h by b, तो m1 m2 कितना होता है? a by b, ये लगा रहा है ना। हां सर। हम्म। m1 plus m2 कितना आ रहा है? और यदि कोई जैसे भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन याद होना चाहिए। x square divided by y by x को मैं m मानता था। हम्म। यहां से रूट क्या आ रहा है? देखो तुमको जाने पे जाने रूट आएंगे, 1 - m2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपॉन 2 ए। डन 3। हाँ यस सर। 2 प्लस रूट 3, ये कोई दो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इनकी स्लोप कितनी है? 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। हाँ सर। 15 और 75। अच्छा दोनों, अब तुम्हें 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 देखी हुई वैल्यू होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? एक लाइन की। अच्छा मैं अभी दूसरे का ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर ले रहा हूँ पिंक। एक लाइन की स्लोप तुम्हारे पास 15 डिग्री है, दूसरे की कितनी है? 75 डिग्री। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 60 डिग्री। लेकिन अब तुम इन दो लाइनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 ना। दो सेक्टर्स का सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 30 रेडियस। अब तुमको कौन सा एरिया चाहिए? वो आप शेड करोगे वो वाला। तो शेड किए नहीं अभी। 5/6 आएगा। ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। कितना आंसर आएगा बेटा बता दो? इसका नाम भी रख दूँ क्या? OAB। जिनको नहीं आता सेक्टर OAB के। 5/6 बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख लो। हाफ आर स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस, सॉरी, और सेक्टर के और दूसरा सेक्टर का भी निकाल देता हूँ। किसका नाम होता है? ओ सी, और किसका निकाल देता हूँ? डी। सर 5/6 12 6 ही आ रहा है। 5/6 ही आ रहा है। वही आ रहा है। 6 ही आ रहा है। ऐसा आ रहा है 5/6 आ रहा है। हाँ सर। चलो देखते हैं ना, तुम बस डांट नहीं सुन लेना बस। 5/6 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5/6 सर। कितना हो रहा है? 5/6 बच गया। तो हाफ का क्या हुआ? वो 3 से मल्टीप्लाई होकर हाफ हुआ ना। ये 5/3 था, मुझे लगा थे 65/6 हो गया।
अभी अच्छा नहीं नहीं अभी अभी एक ए, अभी रुको रुको मैं तुम्हारा मजे ले लेता हूँ। क्या ये तुमको अंधो यही एरिया दिखा, यही एरिया नहीं दिखता तुमको? दूसरा वाला भी है। हाँ वो भी हो सकता। एक साइड नहीं दूसरी साइड भी मरवाने का है। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों पैरामेट्रिक इक्वेशन। अभी तक उसमें और डायरेक्ट फॉर्म पढ़ी है ना अभी तक तो? हाँ सर। और एक सेंटर रेडिकल फॉर्म पढ़ी, जनरल फॉर्म पढ़ी है। वो एसिक्स उसी पे ही था ना, वो सब्जेक्टिव का जो आपने बोला था, छोड़ दो। नहीं वो पावर वाला नहीं था क्या? नहीं पावर के ऊपर वाला वो आपने बोला था कि आप सोच लो कि लोकस से करवा दिया था। अच्छा अच्छा वो अच्छा पावर। डन 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 समझ गया। यस हां बेटा बोलो। वो आप सर्कल की पीडीएफ भेज सकते हो, मैं यहां प्रिंट करा लूंगा सर्कल की। तुम्हें आने से कोविड डर लगता है? अरे पीयूष अब तो परमिशन भी दे दिया है। परमिशन भी है, 12th में क्या करेगा पीयूष? पापा बोल मैं मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तेरे पापा बोले इम्यूनिटी, हालांकि मुझे लगता है तो नाजुक तो है, नाजुक बच्चा। नहीं ये आपने नया बनाया? ये आज किसी बच्चे ने बना के भेजा है मुझे। इनमें ही था वो आप बैठे नीचे ए क्या पसंद है बेटा? उसका परिवार पसंद है बेटा। इसने डायलॉग मारा हंस लो प्लीज। पैरामेट्रिक फॉर्म लो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस करेगा। हल्का ध्यान नोटिस करना पहले, लिखने से पहले नोटिस समझो। वो टेंजेंट ये सर्कल दिखा? हां सर। अच्छा पैरामेट्रिक पढ़ने का फायदा क्या होता है? यदि किसी लाइन पे एक पॉइंट मानना है या किसी भी जगह पॉइंट मानना है तो देखो पैरामेट्रिक क्यों यूज कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, जब अपन पॉइंट मानते हैं, पॉइंट एक मानते और पैरामीटर अननोन कितने जुड़ जाते हैं, एक्स और वाई। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं हम तो उसको सेटिस्फाई भी कर देंगे जिस कर्व पे मान रहे हैं। इससे देखो मैथ्स वाले क्या थोड़े समझदार हो गए, उन्होंने बोला कि सर्कल के किसी में कोई पॉइंट मानना हो तो अपन अननोन कितने जोड़े देंगे, दो। हाँ। खुदा ना खास्ता वो इक्वेशन गंदी हुई तो सेटिस्फाई कर दे तुम्हारी जान निकल जाएगी। हाँ सर। पैरामेट्रिक का, पैरामेट्रिक का यूज कब करोगे पूरे कोऑर्डिनेट्री में? जब अपने को कर्व पे कोई पॉइंट मानना हो तो तुम्हारे दिमाग में पहला क्लिक कर देगी, अच्छा आज हमको क्या मानना है, पॉइंट मानना, लेकिन किस फॉर्म में मानना पॉइंट? पैरामेट्रिक। उससे क्या होगा अपन एक अननोन लेके आएंगे। अब तुमने बोला सर कैसे मजाक क्या कर रहे हो, मान लो एक सर्कल दे रखा है उसका सेंटर रेडियस फिक्स होगा बेटा। थीटा चेंज हो सकता है, थीटा इस पोजीशन में इतने इतने में 90 हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा पाई, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ कि तुम मुझे बोल सकते हो सर यदि आप इसको ऐसे देखो एक बार r cos थीटा k प्लस। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां से एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? r cos थीटा h प्लस r cos थीटा। देखो ये डिस्टेंस h है और ये कितनी है r cos थीटा। r cos थीटा यहां बोलो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे है, वहां पे अच्छा यहां पे x, वहां पे कहता x = x1 r cos थीटा, y = y1 r sin थीटा। तो देखो यहाँ पे लेकिन वहां पे वेरिएबल क्या था, r दिख रहे कितने का? हां यहां पे थीटा वेरिएबल हो गया, वहां पे r वेरिएबल थीटा कांस्टेंट होता था, थीटा लाइन का फिक्स होता था। हां सर। तो हम x एक्सिस से खींच के ले लेते हैं। अब तुमको बोलो h, k से r डिस्टेंस पे जाना है तो x1 y1 कितने होंगे? x x1 क्या होगा h + r cos थीटा और y1 और y1 k + r sin थीटा। r sin थीटा लेकिन यहां पे ध्यान रखना यहां पे क्या, अच्छा यहां पे क्या वेरिएबल है? थीटा इज वेरिएबल और आर क्या बेटा? कांस्ट फिक्स्ड। और जो यहाँ पे जो थीटा के ऊपर कहाँ से जाता है, 0 से लेके 2 पाई तक जा सकती है। 2 पाई पे मैंने इक्वालिटी होल्ड क्यों नहीं किया, फटाफट बताओ। वो वापस 0 ही हो जाता है, वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तो समझ गया।
यस सर इतनी अपने ओहो बहादुर लोगो हाँ सर लिख लो ये सब चीजें यदि आर फिक्स है तो सर्कल बनेगा थीटा फिक्स है तो क्या बनेगी लाइन पॉइंट आर और थीटा दोनों फिक्स कर दे तो एक पॉइंट ही बनेगा एक ही पॉइंट अगर दोनों थीटा और आर वेरिएबल कर दे दो तो क्या कुछ होगा 2 डिग्री कर्व कोई भी प्लेन मिलेगा समझ गया यस सर अब दोस्तों इस पे अपन करते हैं गर्मा गर्म क्वेश्चन पहले लिख लो रुको रुको मेरी गलियां मुझको भावे मेरा जिम को सर हो गया नहीं नहीं सर नहीं हुआ सर बेटा सर सर्कल 1D होता है ना है 1 डायमेंशन होता है या 2 कितना उसमें अगर 1 डायमेंशन होता तो y क्यों आता इसके आज वो मैंने ना बर्थडे से मिलके नहीं नहीं सर पर वो आपने लिखा है r फिक्स सर्कल थीटा फिक्स लाइन लाइन तो 1D है वैसे सर्कल भी उससे क्या 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 सर आपने आर फिक्स सर्कल लिखा है हां आर फिक्स है तो सर्कल बन जाएगा ना आर फिक्स है तो थीटा को गायब पर क्या कौन डिग्री का करवाएगा सेकंड डिग्री का 2 डिग्री का एक पॉइंट वेरिएबल ले ले तो कौन डिग्री का आ रहा है ये तो मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम समझते नहीं हो अब मैं पॉइंट मान लूंगा तो मेरे पास अननोन कितने जनरेट हुए यदि मैं ऐसे गदों तरह पॉइंट मान लूं x1 y1 तो कितने अननोन हो गए बेटा दो मैं ऐसे पॉइंट मानूं ऐसे वाले देखो h भी पता है k भी पता है r भी पता है r भी पता है सिर्फ अननोन कितना है थीटा तो एक ही होगा एक ही अननोन जनरेट हुआ तो पॉइंट मानने में फायदा कौन से पॉइंट मानने में हमेशा फायदा रहेगा पहला मेरा थीटा अरे मुझे ना क्वेश्चन कराना था तुमको आज किसका स्ट्रेट लाइन की रिवीजन का हमारे बच्चे कर तो देंगे ही नोट हो गया सर हो गया सर नोट हो गया सर हमारे बच्चे क्वेश्चन कर देंगे स्ट्रेट लाइंस का है ना लेकिन डालना कोई इसी में डाल देना ना इसी कंटिन्यूशन में ओके सर आई के वैल्यू क्या कहां से कहां तक है 1 ये चेंज हो रहे हैं ना सबस्क्रिप्ट में ना आई तो मल्ट सबस्क्रिप्ट है ना Thank you.
क्या हो गया तुम्हारा और सेंटर बिगड़ गया? नहीं और सेंटर का तो पता नहीं, और सर्कम सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है। तो आज के बाद मेरी नजर में एक नंबर का सी डिक्लेयर हो गया। तू कॉन्सेप्ट पकड़ लेता लेकिन तेरे को पुराने पाप कुछ भी नहीं होंगे यार। लिटरली ना इजान मेरे को तेरे से बहुत उम्मीद है बेटा। तू हमेशा ना खासकर तेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसको तू, अब तूने मेन कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिया, अब तू आगे की हरकतें नहीं कर पा रहा है तो कैसे सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर 1:2 वैसा करना है? नहीं नहीं तुमको ना देखो कोई भी एक अच्छा टीचर बेवकूफ बना के चला जाएगा सर। ये सर्कल बनेगा, ये जो पॉइंट जो होंगे तुमको दिख रहे ना जीरो कॉमा क्या लिखा हुआ है सोचो ना। ये एक पॉइंट कितने है? ये अभी जानबूझ के मैंने तुमको ऐसा लिखा है, इसी सवाल के बाद क्यों करा रहा हूँ? मेरे को ना ये सवाल तब भी दिखता था, जब कब दिखता था, जब मैं तुमको क्या पढ़ा रहा था स्ट्रेट लाइंस, मुझे मैंने छोड़ के रखा होता कि तुमको इस दिन पढ़ाऊंगा। सर ये ओरिजिन पे आएगा? हाँ ये तो सरकम सेंटर को कहाँ मिल गया तुमको? सर वही तो बोला सरकम सेंटर ओरिजिन। आप भी तो सेंटर का सेंटर नहीं निकाल सकता क्या तुम? हेलो ओके हाँ हाँ सेंट्रोइड फिर उससे रेशियो से। हाँ बोली कौन बोल रहा है? सर किसी से बात कर रहे हैं? हाँ बेटा बोलो। सर वो cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 divided by 9 comma sin theta और सर divided by 9 आएगा भाई। सर्कमसेंटर तुमको कितना मिल गया बेटा? ओरिजिन सर मेरा तो 2/9 आ रहा है। चलो मुझे देखने दो, मेरा भी सर्कम सेंटर तुमको मिल गया। देखो ऑफ सेंटर निकाला मैंने, क्या मान लिया एक्स कोमा, क्या मान लिया वाई, ये मैंने क्या मान लिया सिग्मा कोस थीटा बाय 3। समझ आना ये क्या लिखा हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। सर ओ जी एच 1:2 तो ओ कितना आता है 0.0 तो एच के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए तुमको? मुझे लगा तुमको ये मिल जाएंगे सिग्मा कोस थीटा कोमा कितना सबका यही आ रहा है क्या? हाँ सर। और तो सेंटर बीच में भैया तुम्हारा वो उन तो यही आ रहा है जो हाँ अरे यही है यार मतलब
उन चीजों के लिए डिस्कशन कर रहा है जो चीजें इनको मतलब इसको पता, बच्चों को गधों बच्चों को पता होती है, जो क्लिक करना था वो तो कर लेता ही है। इजान को कब सुधरेगा ये बता मुझे, लिख के बता। जो मेन कॉन्सेप्ट वो तूने पकड़ ली दो मिनट के अंदर अंदर की, एक सेकंड के अंदर अंदर, और जो जो तरह वो हर कोई बच्चा करके आ सकता वो तू नहीं कर पाता। तो पेपर में ऐसे करना, एक साथ में दो बच्चों को मिलकर पेपर करना, ठीक है? उसको बोलना मैं लॉजिक पकड़ लूंगा, एग्जीक्यूट तू कर देना। अगला क्वेश्चन गलत कर दिए इधर, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं ग्रुप में तेरे को सुनाऊंगा अभी। एक मिनट नोट कर रहे वो। अरे यार अभी तो स्पीड अपनी बहुत कम हो गई यार। हाँ सर हो गया। सेम क्वेश्चन अगला, सर वो कॉमा है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्व करना बस। सर वो सी पॉइंट क्या है एक बार ऐसे, टू साइन कॉमा टू कॉस है या फिर टू साइन कॉमा माइनस टू कॉस? यार इसका क्या करो बच्चे का, पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट लेके दूसरा कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है तो क्या करेगा तू? कौन दूसरा कॉमा, कॉमा ही होगा ना कॉमन से। लिटरली डॉक्टर को दिखा दे। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन कॉमा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस रूट थ्री लोकस। हाँ तो थीटा चेंज होगा तो डन सही है बेटा। और किस इसका आया सर? पर लोकस में थीटा को एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ
लोकस कॉर्पोरेटर किस इक्वेशन पे लाई करता है? मैं एक रिप्लाई कर दूं, तुम हाँ इजान हुआ बेटा, आज इजान सर की बारी थी। सर्कल ऑर्थोसेंटर पे लाई करेगा क्या लोकस? चेक करते हैं। चलो पहले ऑब्जर्व करें एक बार सर, ये तीनों पॉइंट किस पे लाई करते हैं? ये तो दिख गया तुमको, कौन सर्कल पे लाई करते तीनों पॉइंट? ओरिजिन जीरो फ्रॉम ओरिजिन और टू रेडियस, और रेडियस टू होगी। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4। एक सर्कल पे लाई करते हैं। हां सर, हमने बोला कि सर हमें ऑर्थो सेंटर को लोकस निकालना, हमने x y मान लिया। और ऑर्थो सेंटर अपने को पता लगा, सॉरी सर्कम सेंटर का 0 कितना है? 0.0। ठीक है, सेंट्रोइड हम पता, हमको पता g 1 + 2 cos 2 थीटा टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा बाय थ्री रूट थ्री प्लस टू एस माइनस टू सी बाय थ्री वन डेस टू कितना? सॉरी टू डेस टू वन होगा, टू डेस टू वन। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम नोटिस करो, एक्स थ्री थ्री कट जाएगा और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओके, अब वो उस साइड लेके होल स्क्वायर करेंगे तो थीटा एलिमिनेट होगा। x माइनस वन का वैल्यू कितना रहेगा? 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। y माइनस रूट थ्री कट कितना जाएगा? 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो अभी एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ सर, लोकस क्या x माइनस वन का होल स्क्वायर y माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 थीटा चेंज करते जाओ, लेकिन ऑर्थो सेंटर भी चेंज होगा थीटा चेंज करोगे तो। हां सर, ऑर्थो सेंटर किस रास्ते पे मूव करेगा वो तुमने निकाल दिया, समझ गया? यस सर, कल चालू करेंगे टेंजेंट्स। यस सर, होमवर्क तुमको मिल गया ऑलरेडी, अभी कल होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे तो आधा 15 मिनट निकल जाते हैं ना, परसों होमवर्क डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, रात को होगी क्लास स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की बोर्ड की। ओके सर, हां सर, चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर द सेशन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। बोर्ड की होगी ना? हां बोर्ड की, बोर्ड की, उसमें आने की जरूरत नहीं है जिनको आता स्ट्रेट लाइन।